लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए सोमवार को पुष्कर में स्वीप कार्यक्रम के तहत निकाली गई मतदाता जागरूकता प्रभात फेरी में आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है। दरअसल मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी और पुष्कर SDM देविका तोमर ने मेला मैदान से विभिन्न स्कूलों से पहुंचे छात्रों की रैली के रूप में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान स्कूली छात्रों ने चुनाव आयोग का कहना है वोट सभी को देना है के साथ साथ कुछ जगहों पर वोट मोदी को देना है के नारे लगाकर आचार संहिता का उल्लंघन किया। मामले में जब SDM देविका तोमर से बात की गई तो उनका कहना था कि इस बात की अभी जानकारी मिली है, रैली में शामिल स्कूलों के अध्यापकों को बुलाया गया है, यदि आचार संहिता के उल्लंघन की पुष्टि होगी तो जिम्मेदार के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उधर दूसरी ओर प्रभात फेरी जागरूकता रैली में आचार संहिता उल्लंघन को लेकर कांग्रेस की ओर से निर्वाचन अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की गई है। आज सहायक अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी द्वारा लोकसभा के चुनाव की तैयारी को लेकर आज स्वीप योजना के अंदर आज रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के अंदर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुष्कर, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय और अन्य स्कूलों द्वारा रैली का आयोजन किया गया, जो पुष्कर के विभिन्न बाजारों में और मॉल होते हुए निकली, जिसके अंदर ये चुनाव आयोग का कहना है और वोट मोदी जी को देना है के नारे लगाए गए, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। हम आज सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी को हम ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें संबंधित प्रधानाचार्य एवं प्रधान और अध्यापक को सस्पेंड किया जाए और तत्काल इन पर कार्रवाई की जाए, जो भविष्य के अंदर ऐसी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो। इस आचार संहिता का घोर उल्लंघन हुआ है, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे भी रिपोर्ट दर्ज करेंगे। हमने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी जयपुर और जिला ध्यान कांग्रेस कमेटी अजमेर को अवगत करा दिया गया। आज 1 तारीख को प्रभात फेरी का आयोजन किया गया था, जिसमें करीबन 150 से 200 बालक बालिकाओं ने और 10 टीचर्स ने और हमारी टीम ने भाग लिया था, जिसमें वोटर्स को जागरूक करने के लिए एक प्रभात फेरी की आयोजन की गई थी। अभी बहुत जानकारी आई है, पर अभी हम उसकी जाँच कर रहे हैं और पूरी जाँच करके ही इस पर आगे कुछ टिप्पणी कर पाएंगे कि इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आई है तो। इस मामले में अभी तक कोई अपडेट हुआ है कि इन्होंने नारे लगाए थे कि मोदी के पक्ष में, चुनाव आयोग का कहना है मोदी को देना है? नहीं, ऐसा कोई अपडेट नहीं हुआ कि किसने नारे लगाए थे। बच्चे तो अपना लोकतंत्र का नारा है, वोट सभी को देना है, इस तरीके की बात कहते हुए आगे बढ़ रहे थे जहाँ तक मुझे ध्यान है। और हमारा जैसे एक पक्षी है जो हमने खरमोर एक अपना वोट का प्रतीक चिन्ह बनाया है, तो मैं हूँ खरमोर, वोट मांगू मोर। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।